हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्त, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर फ्री फ्लाइट एंड चैटिस में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों हर डबे सर एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आने वाली वीडियो में जो बजी का बेबी हमारे पास था हम उसको रिंग पहनाएंगे, तो आज बारी है बजी के बेबी की। और इसी के साथ मैं आपको कुछ अपडेट दूंगा अपने बर्ड्स के बारे में जो कि मेरे पास अभी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। एक कॉकटेल है और बजी है, और आपको बजी भी दिखाता हूँ कि कितना बड़ा हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बजी दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको रिंग कैसे पहनाना है और कैसे हम उसकी आगे ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे पास कोकोमो का बॉक्स है तो मैंने इसमें इसको रखा हुआ है, और ये मत समझिएगा कि मैं कोई कोकोमो का जो है प्रमोशन कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ये रहा बजी का बेबी, माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया। जब मैं इसको लेके आया था तब भी आप पिक्चर देख सकते थे, बहुत छोटा है। तो अभी देखिए कि माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया। और इसका नाम जो है मैंने बताया था कि नाम वाली वीडियो हम अलग से बनाएंगे, तो वाकई में हम अलग से बनाएंगे, इसमें मैं आपको नाम नहीं बताऊँगा। तो ये रहा रिंग। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि भाई बजी का बेबी हमें किस एज में लेना चाहिए, या कोई पैरेट का बेबी, कोई भी पैरेट का बेबी हमें किस एज का लेना चाहिए कि हम उसको फ्री फ्लाइट ट्रेन कर सकें या टेम कर सकें। तो टेमिंग की सबसे बेस्ट एज यही है कि 25 से 30 दिन का बेबी होना चाहिए, उसके तकरीबन इतने से विंग्स आए हुए होने चाहिए। इस एज का बेबी आपके लिए काफ़ी जो है इजी रहता है उसको टेम करना, फीड करवाना है, हैंडल करना। इससे छोटा बेबी होगा तो आपके लिए ज़ाहिर सी बात है मुश्किल होगी। अगर आप न्यू हैं, बिगनर हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप पहनाते हैं रिंग और मैं करता हूँ कैमरा थोड़ा सा करीब और फिर इसको पहनाते रिंग ताकि आपको अच्छे से पता चले कि रिंग कैसे पहनाना है। तो कैमरा मैंने करीब कर लिया है और ये रहा हमारे पास लेग रिंग, ब्लू कलर का है। और ये रहा हमारा बेबी जो कि आपको काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा होगा। और आप पहनाते हैं इसको रिंग और आपको बताता हूँ कि रिंग कैसे पहनाना है। पहले सबसे पहले एक बात आपने अच्छे से नोट करनी है कि हमने बेबी को बहुत ही एहतियात से पकड़ना है ताकि इसको ज़रा सी भी तकलीफ ना हो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि रिंग कैसे पहनाना है। आप किसी भी इसकी लेग में पहना सकते हैं, मैं इसकी लेफ्ट लेग में पहनाऊँगा। और आपने क्या करना है, स्टार्ट के 3 फिंगर्स जो आगे की तरफ हैं आपने इनको पकड़ लेना है और सीधा करके लेना है इसको अच्छे से। भाई थोड़ा करीब से दिखाइएगा फोकस करके ताकि हमारे व्यूवर्स को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और ये रहा हमारे पास रिंग और आपने इसकी 3 फिंगर्स में से ये इसका रिंग जो है गुजार देना है, ये डाल देना है। तो ये देखिए मैंने 3 फिंगर्स में इसके जो है रिंग को डाल दिया है। और हमने इसी तरह से ये वाली फिंगर आपको नज़र आ रही होगी, ये जो पीछे वाली, हमने इसको सीधा कर देना है। रुके मैं इसको पहले पकड़ लूँ, इसको सीधा पकड़ लेना है और लेग को सीधा करके हमने इसकी तरफ बिल्कुल ऊपर की तरफ कर देना है। और ये देखें कि अब लेग रिंग इसके पाँव में आ चुका है और ये लेग रिंग हमने पहना दिया। तो बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड है, ये देखें ज़रा सी भी इसको तकलीफ़ नहीं हुई है। और ये रहा हमारा बेबी। चलें अब मैं कैमरा सीधा करता हूँ। आपने काफ़ी अच्छे से सीख लिया कि हम रिंग को कैसे पहनाएंगे और बहुत ईजी मेथड से मैंने आपको बताया है। कोई इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि हमने बड़ी जद्दोजहद से रिंग को पहनाना होता है, बहुत ही ईजी सिंपल मेथड है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। और अब बात कर लेते हैं हमारे कॉकटेल्स के बच्चे थे, हमने उनके साथ क्या करना है। और सबसे पहले इसका बताता चलूँ कि भाई इस एज के बेबी की हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं और अब से इसकी ट्रेनिंग की जर्नी जो है स्टार्ट होने वाली है। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसकी वॉक रिकॉल के ऊपर होगी। और अब मैं दिखा देता हूँ आपको अपने कॉकटेल्स। तो एक कॉकटेल की जो है वो बुरी खबर है क्योंकि आज सुबह में ही उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि ये जल्दी से ठीक हो जाए और हम इसको भी फ्लाई करवा पाएँ। तो इस बॉक्स में हमारे पास जो है वो एल्बिनो कॉकटेल है, जैसे कि मैंने आपको उसे पिछली वीडियो में दिखाया था। जैसे कि भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही वीक है, फीड वगैरह सही से नहीं ले रहा है जैसे कि पहले ले रहा था। और उसकी वजह पता है क्या, उसकी वजह ये है कि इसके क्रॉप में आई डोंट नो कि क्या हुआ है, चोट लगी है क्या हुआ है, और ये यहाँ से काफ़ी रेड रेड हो रहा है। मैं अभी इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा शाम के टाइम पे, तो फिर मैं आपको बताऊँगा इसके आगे की क्या अपडेट है। और सबसे मेन चीज़ जो हम लेके आए थे, हमने जो रेस्क्यू किया था वो हमारे पास बेबी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। और अब इसकी वीडियोज़ भी जल्दी से आपके पास आया करेंगी क्योंकि अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है ट्रेनिंग के लिए। तो अब हम इस कॉकटेल की और इस बजी के बेबी की ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं और दुआ करें कि ये भी जल्दी से ठीक हो जाए तो फिर हम इसको भी फ्लाई ट्रेन कर पाएंगे। जैसे कि भी आप देख सकते हैं कि उससे चला भी सही से नहीं जा रहा है, तो उसको मैं वापस रख देता हूँ। और अब हमारे पास ये दो बेबीज़ हैं
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आने वाली वीडियोस काफ़ी अच्छी लगेंगी, आपने कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है। और कल की वीडियो जो आएगी वो हम इनके नाम के ऊपर वीडियो बनाएंगे कि इनके नाम मैंने क्या रखे हैं। मैं अभी भी नाम बता सकता हूँ लेकिन कल वाली वीडियो में बताएंगे थोड़ी और गपशप के साथ। और अगर आपके कोई सवाल हों तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में कर सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक लाइक वगैरह नहीं किया तो भाई जल्दी से लाइक ठोक ठोक के करो, मुझे नहीं पता बस लाइक हो जाना चाहिए। और इसके अलावा सब्सक्राइब भी करना है, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।